हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर। मीठा खाने का दिल कर रहा हो तो मीठे में कभी हलवाई से जाके लेके आते हैं, कभी घर में बनाते हैं, लेकिन घर में जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ख़ास तौर से अगर बढ़िया बासमती चावल के साथ में ज़ाफ़रानी पुलाव बने ट्रेडिशनल तरीके से, फेस्टिव तरीके से, तो कितना मज़ा आएगा। इसके लिए जो मैंने चावल लिया है वो ये दावत ट्रेडिशनल, जिसको पानी के अंदर पहले आधे घंटे तक भिगो के रखा, उसके बाद में से उसका पानी निकाल लिया और फिर उसके बाद इसको हम पकाएंगे। ये जो दावत ट्रेडिशनल है, एकदम सफ़ेद इसका लंबा दाना और एज्ड बासमती है और इसमें अपनी नेचुरल स्वीटनेस है, ये खासियत है इस चावल की, तो इसीलिए इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट घी। और इसमें खुशबू के लिए कुछ इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा काजू भी पड़ेंगे, कुछ मेवे पड़ने चाहिए, थोड़ा इसके साथ में किशमिश, और इन सब चीज़ों को ये चलाते रहना, नहीं तो ये जल सकते हैं, ख़ासतौर से काजू वगैरह जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है ये। हाँ, आप देखिए ये होने शुरू हो गए, चावल हमारे पास में तैयार हैं पानी के अंदर भीगे हुए। और घी में थोड़ा सा इसको सौते करना है, हल्के हाथ से करना है। अब एक काम करते हैं, पानी डालेंगे इसके अंदर, तो ये अच्छा, ज़ाफ़रानी की बात हो रही थी तो ज़ाफ़रान कहाँ है, केसर कहाँ है, भाई केसर है ना मेरे पास में, ये इसमें डाल देते हैं और ये चावल जो हैं ये पकने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो चावल है दावत ट्रेडिशनल, इसमें ये एकदम दूध जैसा सफ़ेद और उसके साथ साथ इसमें स्वीटनेस है, नेचुरल अरोमा है, और ये जो है इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू वन ऑफ द मोस्ट एंशंट राइस इन द वर्ल्ड, तो बड़ा स्पेशल है। लेकिन थोड़े से इलायची, हरी इलायची पिसी हुई, ये जो चावल है इसमें पानी काफ़ी सोख लिया, और ये टाइम है इसमें डालें ये चीनी, तो ये इसको अब इसमें मिक्स किया, और ये जो चीनी है अब मेल्ट होगी। अब देखिए कैसे चावल एक तरह से सूख गए थे, बट इफ़ यू लुक एट इट, चीनी मेल्ट हुई और ये फिर से एक बार लिक्विडी बन गए, राइट। चावल में देखिए लंबाई भी आ गई थी, थोड़ी जो कसर है वो अब पूरी होगी। नाउ अगर आप देखें तो ये बबल करने लग गया है ये, तो अब बारी है इस पर ढक्कन लगाने की, और इसको इसी तरह से मीडियम हीट के ऊपर, लो टू मीडियम हीट पे पकने देंगे। सो लेट्स हैव सम पेशेंस। धीमी आंच पे बढ़िया सा दिख रहा है मुझे ये, लेट मी जस्ट चेक दिस, ओह स्मेल सो गुड, पानी इसमें से सब सूख चुका है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, क्या शाइन है, क्या खुशबू है, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, एंड दैट्स इट, दावत बनेगा तो फर्क दिखेगा।